अच्छा चल खाना लगा वरना बहुत देर हो रही है। चल क्या बताऊं सनी, मेरा बस चलता ना तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चला आता। यार यहाँ कोई लाइफ ही नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है। जिसको देखो उठकर मेरे सर पर नाचने चला आता है, और आज तो घर ऐसा लगता है जैसे किसी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म बना पड़ा है। कहाँ आज केक कट करके सेलिब्रेट करने वाले थे, सब कुछ कचरा कर दिया इन लोगों ने। Yeah, I totally understand. He's... अरे यार आसान है क्या यहाँ पर? वैसे ही परेशान रहता हूँ इन दोनों से। I know. लक्ष्मी तुम क्या कर रही हो यहाँ? किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है। चीजू मैंने मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें? किसी के भी कमरे में ऐसी चली जाती हो। प्रिवेसी, पता है प्रिवेसी क्या होता है? तुम लोगों को क्या पता होगा? चीजू मैंने नॉक किया था, आपने सुना नहीं। शायद आप कुछ इम्पोर्टेंट कॉल में। काम क्या है? वो टेबल मैट्स लेनी थी, मंगल दीदी ने कहा कि यहाँ कबर्ड में रखी है। अब अंदर आ ही गई हो तो जाकर ले लो, खड़े होकर देख क्या रही हो? अरे वो तो सर मान ही नहीं रहे थे केक उन्होंने ऑर्डर किया है। मैंने उन्हें रेस्टोरेंट में किसी और लड़की के साथ देखा था। जीजू आपसे एक बात पूछूं, वो जो केक डिलीवरी वाला लड़का आया था वो आपको देख के सॉरी क्यों कह रहा था? लक्ष्मी फालतू बातों के लिए ना टाइम नहीं मेरे पास। कौन मुझसे क्या पूछ रहा था, क्यों आया था, सॉरी कहा था, थैंक यू कहा था, ये सब एक्सप्लेन करने बैठू मैं तुम्हें यहाँ पर? हद है यार तुम्हारे सवालों का। मंगल को फ्लावर्स दिए थे, वो फ्रेश है या नहीं, डिलीवरी बॉय से मैंने क्या कहा था, क्यों जाना तुम्हें ये सब?